आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मन की बात में बोले पीएम मोदी, 1 करोड़ बच्चों ने मुझे अपनी मन की बात लिखकर भेजी है। इकतीस जनवरी को करहल विधानसभा से नामांकन करेंगे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। फरवरी को गोवा दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, वर्चुअल रैली को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान पर सियासी बवाल, बीजेपी ने कहा हिंदुत्व विरोधी मंतर करेगा कांग्रेस को छुमंतर। अखिलेश परवार बीजेपी पर निशाना, असदुद्दीन ओवैसी बोले सपा समझती है मुसलमान उसका कैदी है, आंख बंद कर वोट देगा। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। औरैया में चुनाव के मद्देनजर जालौन चौराहा की वाटिका में पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें आतंकियों का साथ देने वाला और सपा को आतंकियों की सरकार करार दिया। आगे नड्डा ने कोरोना जैसी महामारी में भाजपा सरकार ने सभी वर्गो का ध्यान रखा। गृह मंत्री अमित शाह देवबंद विधानसभा में पहुंचे। गृह मंत्री ने आम जनता के बीच में जाकर जनसंपर्क किया। नागल के मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहारनपुर नगर देहात और देवबंद में भारी जनसमूह का समर्थन मिल रहा है और लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाकर योगी मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए और अमित शाह का अभिवादन किया। इस दौरान जनता ने भारी बहुमत से सभी सीटों पर भाजपा को विजयी बनाने का संकल्प लिया है। अमित शाह सरसावा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। संभल में विधानसभा डोर टू डोर कैंपेनिंग करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने मंच से सभा को संबोधित करते हुए संभल के प्रत्याशी को जिताने की जनता से अपील करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। इस दौरान दिनेश शर्मा ने कहा कि जब बीजेपी पार्टी वैक्सीन लेकर आई तो समाजवादी के लोगों ने कहा ये बीजेपी की वैक्सीन है जिसे हम नहीं लगवाएंगे। इसके साथ ही जमकर निशाना साधते हुए भी नजर आए। काम किया है और ये विपक्षी के कार्यकर्ताओं की खाट खड़ी है। खाट खड़ी का मतलब ये है कि जहाँ जाते हैं जो खटिया होता है ना चारपाई, वो गांव वाले चारपाई पहले ही खड़ी कर देते हैं, उनको बैठने तक का स्थान नहीं मिलता। और बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता पहुंच रहे हैं तो आरती लेकर जिस प्रकार के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, अभूतपूर्व दृश्य मैंने पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं देखा। आज ये बयान आया है सर मुनव्वर राणा का, उन्होंने कहा है कि बीजेपी में अच्छे आदमी हैं लेकिन योगी अच्छे आदमी नहीं है, अगर योगी दोबारा सरकार में आते हैं तो हम यहाँ से पलायन कर जाएंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे दुख होगा कि जब वो लखनऊ से छोड़ के जाते 10 मार्च के बाद दिखेंगे, क्योंकि मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं उनसे, लेकिन मुझे लगता है कि 10 मार्च को जब वो लखनऊ से जा रहे होंगे, पलायन कर रहे होंगे, अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो जी आज उनका साथ बयान आया है। अगर ऐसा कहा है तो निश्चित रूप में 10 मार्च को तो योगी जी आने यार ये बात और आएंगे होगा। अंबेडकर नगर के टांडा विधानसभा में घोषित सपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा के विरोध में सपा समर्थकों ने अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया। काफी विरोध देखने को मिला समाजवादी पार्टी का। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से समाजवादी पार्टी का अंबेडकर नगर में झंडा जलाया गया। अंबेडकर नगर से यह खबर सामने आ रही है जहां सपा प्रत्याशी के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिला। साथ ही अंबेडकर नगर के टांडा विधानसभा में घोषित सपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सपा समर्थकों ने अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अंबेडकर नगर के टांडा से सामने आ रही है जहां सपा के कार्यकर्ताओं में काफी रोष देखने को मिला है। जो अखिलेश यादव ने फैसला लिया वो हम लोगों के साथ बहुत ही अन्याय किया, क्योंकि हम लोग 130,000 मुस्लिम वोटर है और यहाँ बुनकर बाउल क्षेत्र है, उसके बावजूद हम लोगों को अनदेखी की गई है और हमने हमेशा
समाजवादी को वोट दिया, लेकिन इस बार हम लोग जबरदस्त विरोध करेंगे, उनको हराने का काम करेंगे। नाराजगी तभी दूर होगी जब हमारे बीच से कोई कैंडिडेट लाया जाएगा, तभी हम लोग नाराजगी दूर करेंगे। कैंडिडेट अपने बीच। खबर बांदा से है जहां अछरौड बालू खदान संचालक पर भाजपा नेत्री ने गंभीर आरोप लगाया है। इस दौरान नेत्री ने कहा कि सपा नेता आनंद त्रिपाठी के बालू खदान की जमीन से रास्ता बनाया जा रहा है, जबकि इस मामले पर सीओ सिटी ने कहा कि राजस्व विभाग की टीम खदान की जांच कर चुकी है और खदान संचालक को क्लीन चिट दे दी गई है। बांदा से ये खबर सामने आ रही है जब भाजपा नेत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं, भाजपा नेत्री का गंभीर आरोप देखने को मिल रहा है, बालू खदान संचालक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। श्रीमती संतोष मिश्रा, अच्छा ये बताइए क्या मामला है, क्यों आई हुई आज यहाँ पर? ये मेरा अछरौण ग्राम है और अछरौण गांव में खंड एक से बालू चल रही है, तो बालू माफिया सपा के गुंडे आनंद त्रिपाठी जी का चल रहा है और मेरा खरिहान जो कि ग्राम समाज से अलाट है और कई पुश्तों से हमारा वहाँ खरिहान है, हमारे वहाँ 28 बीघे खेत भी हैं और उन्हीं के लिए हम लोगों के लिए खरिहान अलाट हुआ है और वो कई पुश्तों से अलाट है और हम लोग वहाँ खरिहान डालते रहे, वहाँ कोई रास्ता नहीं है, कोई वहाँ से कभी कोई रास्ता नहीं, पीछे भी हमारे खेत हैं, आगे भी हमारे खेत हैं, बगल में भी हमारे खेत हैं, हमारा खरियान है, हम लोग खरियान डालते रहे। किस तरह की समस्या आ रही है आपको? हमें ये आ रही है समस्या कि जबरदस्ती दबंगई में हमारे खरियान से रास्ता बना के और बराबर गांव के भीतर से खरियान, जबकि बीच गांव में है और गांव के भीतर से रास्ता बनाकर दबंगई में ट्रक निकाले जा रहे हैं, कई हादसे होते होते बचे, हम एक दिन गए तो हमारे ऊपर भी ट्रक चढ़ते चढ़ते बचे। सर, एक महिला ने आरोप लगाया है छरौड़ खदान के वहाँ कार्य करने वाले और कुछ सपा के लोगों पर भी आरोप लगाया कि मेरे खलिहान पर कब्जा कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला और महिला पर क्या कार्रवाई, उन पर क्या कार्रवाई? ये छरौड़ खदान का कार्य कई सालों से चल रहा है और ऐसा संज्ञान में आया है कि ये महिला हर साल विवाद पैदा करती हैं। इस वर्ष भी उनके द्वारा बताया गया कि जो रास्ता बना है खदान का वो उनके खलिहान से होकर के बना है, इसे उनके द्वारा खोद भी दिया गया था, जिस पर राजस्व विभाग के अधिकारी और प्रभारी निरीक्षक मटौर मौके पर गए थे, उनके द्वारा पैमाइश कराई गई तो रास्ता सही पाया गया और वो उनके निजी खलिहान से होकर के नहीं जाता है बल्कि सरकारी जमीन व अन्य किसानों की जमीन से होकर जाता है जिनके द्वारा उस खदान मालिक के साथ रास्ते का एग्रीमेंट किया। और इस खबर पे हमारे से ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता रिजवान जुड़ेंगे बांदा से। रिजवान, क्या है पूरा मामला और क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है? जी मैम, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है बांदा जिले के मटौन थाने के अछरौण गांव का मामला है जी, जहाँ पे एक जो है बताया जा रहा है कि वो भाजपा नेत्री है जी, उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे जो है खेत से अब जबरई जो है बालू माफिया जो है ट्रैक्टर और ट्रक निकालते हैं जी, मना करने पर तमाम तरह की धमकियां देते हैं जी, तो इसमें क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली शिकायत के बाद? शिकायत के बाद सीओ सिटी राकेश कुमार सिंह बाना ने बताया है जी कि हमने अपनी टीम से वहां जांच कराई थी और मटौन थाना जो है जो उनके वो है उनसे भी जांच कराई थी, तो वहां पे वो गलत पाई गई है जी, ये जो है गलत आरोप लगाया जा रहा है, उनकी जमीन नहीं है, वो अपने ही जो उन्होंने अपनी जमीन करी थी उससे ही ट्रक निकालते हैं जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रिजवान खान जुड़े थे बांदा से। खबर उन्नाव से है जहां नामांकन के तीसरे दिन सपा के दो प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन किया। इस दौरान सदर सीट से सपा प्रत्याशी अभिनव कुमार ने तो वहीं भगवंत नगर सीट से सपा प्रत्याशी अंकित परिहार ने पर्चा भरा। वहीं नामांकन के बाद सपा प्रत्याशी परिहार ने बताया कि वो जनता की समस्या और विकास जैसे मुद्दों के बल पर चुनाव लड़ेंगे। भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से मैंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। मैं समझता हूं कि आज भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा इस बार निकल के आ रहा है वो है सर्वसुलभ जनप्रतिनिधि का उपलब्धता की बात है, जो वहां का स्थानीय विधायक होना चाहिए इस तरह की बात लोग वहां कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि जो स्थानीय विधायक होने का मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर
मैं लोगों के नज़र में अच्छा साबित हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा एक परिवार के सदस्य के रूप में भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र को चुनाव क्षेत्र न मानते हुए, एक परिवार मानते हुए उसकी सेवा करने का काम हमेशा किया और आगे भी कर रहा हूँ। इस नाते मैं समझता हूँ कि ये मुद्दा एक बहुत प्रमुख मुद्दा चुनाव में होने वाला है। इसके साथ साथ जो किसानों की बदहाली है वो किसी से छुपी नहीं है। किसानों की बदहाली के बारे में अगर बात करें तो तमाम परेशानियाँ, तमाम पीड़ाएँ, तमाम कष्ट आज इस सरकार के चलते लोगों को झेलने पड़ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी का मुद्दा, और हर मैं समझता हूँ कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो वर्ग इस सरकार से पीड़ित ना हो। उन सारी पीड़ाओं को एक मुद्दे में ला के और लोगों की पीड़ाओं को दूर करने के विश्वास के साथ मैं चुनाव में। आपने कहा सर्वसुलभ जनप्रतिनिधि की बात की है, तो पिछले कुछ एक दिनों अभिनव जी, आज आपने नामांकन कराया, क्या प्रमुख मुद्दे होंगे जिनके जिनको लेकर आप जनता के सामने? नौजवानों को रोजगार मिले, और जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, तो उससे ग्रामीण में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, उनको सहूलियतें बहुत मिलेंगी। और मेन मुद्दा जानवरों का है, किसानों के लिए। आप अभी खेतों में चले जाइए, वहाँ पे देखेंगे खाली तार ही तार नज़र आ रहा है जानवरों की वजह से। ये हमारा मेन मुद्दा। उन्नाव में सपा पिछले चुनाव में साफ हो गई जी, क्या लगता है इस बार? इस बार जनता में आक्रोश है, वो सब 10 तारीख को मुख्यमंत्री वो अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, काफ़ी समय से नौ जनपद की जनता ने, सदस्य जनता ने आपके परिवार पे आसरा बनाए रखा, क्या लगता है इस बार भी जो एक कहा जी, जी जी मेरे पिताजी के देहांत के बाद से मेरी माताजी लड़ी, इस बार मेरे माताजी के देहांत के बाद जब मैं जनता के बीच में आया हूँ तो जनता वही स्नेह वही प्यार दिखा रही है जैसे मेरे बाबा मेरे पिता। फरुखाबाद में भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर नाराज हुए भाजपा चुनाव संचालन समिति सदस्य सुरेश राजपूत ने अमृतपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। वहीं इस दौरान सुरेश राजपूत ने कहा कि भाजपा सरकार ने सरकारी आवास देने पर भी भेदभाव का आरोप लगाया। कारण कोई नहीं रहा, कारण ये है कि बीजेपी से हम बहुत प्यार करते हैं जी, लेकिन बीजेपी ने जो टिकट बांटी है जी उनसे हम संतुष्ट नहीं हुए हैं जी। हाँ, संतुष्ट नहीं हुए। दूसरा जी, जो हमारे क्षेत्र के विधानसभा अमृतपुर के 193 के जो विधायक जी हैं, हाँ, उनके कार्यों से हम संतुष्ट नहीं, जनता नहीं संतुष्ट है जी। 5-5 साल हो जाते हैं, कहीं किसी के दरवाजे जाते नहीं हैं जी। बिल्कुल, इस कारण क्षेत्र की जनता हमें चाहती है। बिल्कुल, क्षेत्र की जनता ने हमें बहुत ज़्यादा हमें फ़ोन किए कि भैया क्या होगा, आप अगर खड़े नहीं होंगे तो हमें बहुत दिक्कत हो रही है, आपका आना जरूरी है, इसीलिए हमने निर्दलीय प्रत्याशी बनने का। उन्नाव में नामांकन के तीसरे दिन कलेक्ट्रेट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दो बीजेपी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कराया। इस दौरान सुरक्षित विधानसभा सीट मोहान से बीजेपी प्रत्याशी बृजेश रावत ने नामांकन किया, तो वहीं सुरक्षित विधानसभा सीट सफीपुर से वर्तमान विधायक बंबालाल दिवाकर ने नामांकन पर्चा भरा, जिसके बाद दोनों ही प्रत्याशियों ने प्रदेश में एक बार भाजपा की प्रचंड जीत का दावा किया। जैसा कि 2017 में योगी जी के नेतृत्व में पूरे 5 वर्ष क्षेत्र के विकास के काम कराए गए हैं, चाहे वो सड़कें हों, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, सरकार ने हर पहलू पर काम किया है। और इस बार फिर से हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है, योगी जी के नेतृत्व में फिर दोबारा जो काम शेष बचे हैं उनको भी मैं पूर्ण कराने का काम करूँगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चंद लोग हो सकते हैं जो समाजवादी के लोग हैं या बहुजन समाज पार्टी के, कांग्रेस के लोग हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ क्षेत्र की सम्मानित जनता के सहयोग से इस बार फिर से परचम लहराएगा। हमारे जो विकास के कार्य अधूरे रह गए हैं, अगर मोहान की सम्मानित जनता ने मुझे पुनः सेवा का अवसर देते हैं तो उनको प्राथमिकता के आधार पर कराने का प्रयास किया। क्या लगता है 5 साल विधायक करके आपने उन कार्यों को नहीं पूर्ण कर पाए जो 5 साल में करती है? इधर 2 साल कोरोना में चले गए, ये 6 महीने चुनाव में, इसलिए हमारी सरकार को 2.5 वर्ष से अधिक। देवरिया के बसपा पार्टी कार्यालय पहुंचने पर बरहज सीट से प्रत्याशी विनय तिवारी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विनय तिवारी ने कहा कि कई वर्षों से बरहज की जनता विकास के लिए तरस रही है, जबकि यहां का युवा हर जनप्रतिनिधि से रोजगार की मांग करके थक चुका है। जब बहन जी की सरकार बनी और बहन जी की जो सरकार होती है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की सरकार होती है,
बहन जी की सरकार में ही बरहज की तहसील भी बनी थी। बरहज में जो बरहज से और सोनूघाट का रोड है वो भी बना था। बरहज में ही आप देखे होंगे हजारों लोगों को नौकरी मिली थी। बहन जी की ही सरकार में बेलदार कठनिया रोड भी बना था। और जितने भी लिंक रोड हैं, जितने भी सीसी रोड हैं, आज उसी तरह पहले थे सीसी रोड। आज जहाँ भी जाएंगे जिस गांव में देखिए अंबेडकर ग्राम जो है सभी गांव में आज संभल से है, जहां पर अपनी जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हाजी शकील अहमद कुरैशी ने जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा विधायक नवाब इकबाल महमूद ने पिछले 30 साल से कार्यकाल में शहर को बदहाल कर दिया है। कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद शहर के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए कोई यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज नहीं दे पाए हैं। शहर से बाहर जाने वाले लोगों के लिए कोई रोडवेज बस स्टैंड नहीं दे पाए हैं। बसपा प्रभारी ने बताया कि बदलाव के विकल्प के रूप में बसपा जीत सुनिश्चित है। संभल में AIMIM के प्रत्याशी मुशीर तरीन ने कई जगह चुनावी प्रचार किया। मुशीर तरीन ने महमूद खान सराय में नवाब बंधु साहब से मुलाकात भी की और वहां पर घर घर जाकर लोगों से वोट करने की अपील की। सिरसी में भी डोर टू डोर जाकर वोटों की अपील की गई। मुशीर तरीन ने कोट गरीब गरबे में भी शिरकत की और डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क किया। बस्ती में चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही सभी पार्टियों के नेता जनता को रिझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हर एक तरफ पार्टी के नेता अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए एक दूसरे पर जुबानी हमला करते हुए नहीं चूक रहे हैं। तो वहीं सदर विधायक दयाराम चौधरी ने सपा पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि अगर किसी भी गाड़ी पर सपा का झंडा लगा है तो समझ लीजिए कि उसमें कोई नेता या कार्यकर्ता नहीं बल्कि गुंडा ही सवार है और ये पूरी तरीके से गुंडों की पोषक पार्टी है। देखिए वो की स्थिति कभी नहीं थी। अब सही है, जब चुनाव आता है तमाम कार्यकर्ता हैं जो संघर्ष करते हैं, दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी भी इच्छा होती है कि भाई हमको भी मौका मिले चुनाव लड़ने का। इसको ध्यान में रखते हुए कुछ लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन जो पार्टी होती है, संगठन होता है, उसके पास आंखें बहुत होती हैं, उसके पास हैंड्स बहुत होते हैं। अपने तरह से वो सर्वे कराते हैं और सर्वे के माध्यम से ही कोई निर्णय करते हैं। मिर्जापुर में महिला शिक्षक संघ ने जिला निर्वाचन अधिकारी को मांग पत्र देते हुए आगामी चुनाव में गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों की माताओं की चुनाव में ड्यूटी नहीं लगाए जाने की मांग उठाई है। इस दौरान संघ की महामंत्री शिवानी सिंह ने कहा कि कई महिलाओं को चुनावी ड्यूटी के दौरान बच्चों को लेकर आना पड़ता है। सर, जिला कैंपस में आने का हमारा मुख्य कारण यही है, मुख्य उद्देश्य